नमस्कार दोस्तों, टूली तो ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरे पीछे मैंने ये दृश्य इसलिए लिया है कि आप लोग देख सकें ये दृश्य कितना खूबसूरत है, नज़ारा कितना खूबसूरत है और मैं कितने उपयोग करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि बहुत किसी को लगता है कि उनके ऊपर जादू टोना हुआ है, बुरी नज़र लगी है, कुछ ठीक नहीं चलता है, कुछ अजीब अजीब फीलिंग्स आती है, रोने को मन करता है। अच्छा खासा दिन चल रहा था और अचानक से लगने लगा कि सब कुछ ख़राब है, सब कुछ अच्छा नहीं है और सब अस्त व्यस्त हो गया है। तो इस तरह की फीलिंग्स अगर आप लोगों की भी आती हैं तो उसे कैसे हम दूर करें, और वो भी उसका असर भी हम 24 घंटे में ही देखेंगे, वो मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों अक्सर जब भी किसी को नज़र लगती है या फिर कोई बाहरी हवा लग जाता है तो इंसान अच्छा खासा रहते हुए अचानक से उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है कि एक चिड़चिड़ापन, एक अजीबोगरीब स्मेल का आना, हमेशा रोने को दिल करना, पुरानी पुरानी बातों को लेकर याद करके रोने को दिल करना, या फिर हमेशा किसी खाने में मन नहीं लगना, हमेशा शरीर में एक शिथिलता आ जानी यानी कि लेजीपन आ जाना। बहुत कर्मठ जीवन जीवन जी रहे थे लेकिन अचानक से लगा कि सारी चीज़ें बस अब ख़त्म होने वाली है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप लोगों के साथ भी होती हैं तो इसे कहते हैं नज़र लगना या फिर बुरी हवाओं का साया पड़ना। इसे हम बहुत अगर गौर से देखें तो ये किसी न किसी की दृष्टि का असर होता है जो हम पर पड़ती है। तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ, ये माँ लक्ष्मी को भी बुलाती है, ये जो उपाय मैं बताऊँगी स्वागत करती है माँ लक्ष्मी का, और साथ में ये नज़र दोष, बुरा साया, घर का वास्तु करेक्शन के लिए ये बहुत ही उपयोगी टिप्स माना जाता है। तो मैं आप लोगों के पास ये शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो करनी है, मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि घर में दीप ज़रूर जलनी चाहिए, यानी दिया ज़रूर जलनी चाहिए, और ये दिया घी की होनी चाहिए। घी से आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष भी है तो वो दूर होती है, साथ में माँ लक्ष्मी का वास होता है, और साथ में इसमें जो चीज़ हम डालेंगे वो अगर डालकर करते हैं तो घर से बुरी साया, नज़र दोष, वास्तु दोष, ये सारी चीज़ें ख़त्म भी होती है। तो जब हम घी का दिया जलाएंगे उसमें हमें सिर्फ ये एक चीज़ डालनी है और वो है पीली सरसों। जी हाँ, पीली सरसों डालकर हमें उस दीप को जलाना है, यानी वो जोत जलानी है। हमारे घर में ये एवरीडे का काम होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि शनिवार को हम तिल का तेल जलाते हैं, सरसों का तेल जलाते हैं, तो फिर आप वार के अनुसार कोई भी तेल जलाएं, तेल से दीप जलाएं। लेकिन इसमें अगर किसी को आपको लगता है कि आपके घर पे किसी ने कराया हुआ है, कुछ किया कराया है, तो उसमें पीली सरसों का एक अहम भूमिका होती है। और पीली सरसों आप जिस दिन जलाएंगे उसके नेक्स्ट डे से ही आपको बहुत हल्कापन लगेगा, और ये पीली सरसों के दीप को आपको सारे घर में घुमाना है, और घुमाने के बाद इसे पूजा स्थल में ही रख देनी है। ऐसा आप प्रतिदिन करेंगे और ये शुरुआत करेंगे मंगलवार से। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो किया कराया तो ख़त्म होता है, वास्तु दोष तो ख़त्म होता है, और साथ में आपके ऊपर भी अगर नज़र लगा है, बुरा साया अगर पड़ा है तो वो भी दूर होती है। तो ये टिप्स बहुत ही आजमाई हुई है और बहुत ही पावरफुल टिप्स है, इसे करके देखिए और तुरंत इसका रिजल्ट देखेंगे कि कुछ ही दिन घंटों के बाद ही, कुछ ही मिनटों के बाद ही आपको अपने शरीर में एक हल्कापन दिखेगा। उसके बाद से जैसी जीवन आप जी रहे थे वैसे ही जीवन आप जीना शुरू कर देंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस आप लोगों को मैं और भी ज़्यादा देती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा हैप्पी वाला नमस्कार।